हेलो एवरीबॉडी, इट्स देवेश बैक इट अगेन विद ए न्यू वीडियो। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं, इसमें जितने भी चैप्टर्स हम करवा रहे हैं सारे के सारी समरी हम आपको हिंदी में बता देते हैं। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे जैसे कि भैया आप इंग्लिश रीड आउट करो, तो मैं बता दूं कि इंग्लिश रीड आउट करने में ज़्यादा टाइम जाएगा, तो इसलिए मैं सिंपल आपको हिंदी बताता हूँ, क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं होगा कि आप आधे घंटे इंग्लिश सुनो फिर हिंदी सुनो, इसलिए मैं सीधे आपको हिंदी में समरी आपको बता रहे हैं। तो आज हम करवाने वाले हैं, चैप्टर नंबर जो है हमारा वो है 7, आपकी जो बुक है फुटप्रिंट्स क्लास 10th की चैप्टर नंबर 7 इंग्लिश, द नेकलेस की स्टोरी। आज हम आपको स्टोरी कवर करवाने वाले हैं फुल हिंदी समरी। तो आइए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। चैप्टर में जो सबसे पहले एक राइटर है, राइटर ने एक लेखक एक लेडी के बारे में बताया जिसके पास एक नेकलेस होता है। वो नेकलेस जब खो जाता है तो वो कितनी चिंता में है, तो वही स्टोरी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक महिला मिथेल्ड लोइसेल, यहाँ पे इन्होंने नाम लिखा है मिथेल्ड लोइसेल, अपने पति के साथ एक फ्लैट में रहती थी। एक लेडी है जिसका नाम मिथेल्ड लोइसेल है, जो अपने पति के साथ फ्लैट में रहती है। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के लिए क्लर्क के रूप में काम किया है। वो एक शानदार जीवन जी पा रही थी, हालांकि वे गरीब नहीं थी, केवल सरल थे। सरल का मतलब होता है मिडिल क्लास फैमिली। आमतौर पर देखा गया है कि ज़्यादातर इंडियंस में मिडिल क्लास फैमिली में लोग पाए जाते हैं, तो यहाँ पर वो बताती हैं कि वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। हालांकि मिथेल्ड की इच्छा समृद्धि होने की थी। समृद्ध का मतलब होता है कि ना, मिथेल्ड की जो इच्छा थी, जो मिथेल्ड की, वो थी अमीर बनने की, एज अ रिच बनने की, काफ़ी अमीरी दिखाने की, ठीक है। तो इस तरह की उनकी इच्छा थी। एक बड़ा घर नहीं था होने के बावजूद निराशा तथा चिढ़ उदास महसूस करती थी। वो सोचती थी, क्यों मेरे पास एक बड़ा घर नहीं है, और मेरे फ्रेंड्स जो हैं उन सबके पास एक बड़ा घर है, अच्छा घर है, कार है, गाड़ी है, बंगला है। तो वो इस तरह से सोचती थी, मगर वो जो है रिच थी, मगर मिडिल क्लास बस। उनके अलावा तथा उनके अच्छे कपड़े, बहुत सारे गहने चाहती थी, जिससे वे दुखी थी। अब वो चाहती थी कि मेरे पास भी एक अच्छा सा नेकलेस हो, काफ़ी सारे अच्छे से कपड़े हों, जिसको मैं रीड आउट कर सकूं। कम से कम ज़्यादातर मेरे पास बहुत सारे ठीक ठाक कपड़े होने ही तो चाहिए। एक दिन उसके पति उसे एक फैंसी पार्टी का निमंत्रण देते हैं। एक बार जो उसके हस्बैंड है वो आते हैं जब ड्यूटी से, काम से, वो बोलते हैं कि ना हमें एक पार्टी में जाना है, क्या तुम चलोगी? तो उससे पूछते हैं, एक गेंद और निमंत्रण था। अब वहाँ पे बोलती हैं, ठीक है, यह गेंद को निमंत्रण है। वो बोलता है कि दोनों को बुलाया गया है, हम चलेंगे, तो तुम चलने के लिए तैयार हो जाना। उसने सोचा और निमंत्रण पत्र देखकर उसकी पत्नी बहुत उत्साहित हो गई। अब वो बोली, ठीक है, चलो मैं चलूँगी, ये जो पार्टी अटेंड करेंगे, दोनों चलेंगे। हालांकि उसकी पत्नी ने खुश होने के बजाय, तो अब जो मिसेस फिथेल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, चलो ठीक है, बल्कि ना वो सोचती है, फिर थोड़ी देर बाद वो उस दिमाग आता है उसको कि वो बोलती है, मैं इस निमंत्रण पत्र का, इनविटेशन का करूँगी क्या। हालांकि उसने अपनी पत्नी को खुश होने के बजाय निमंत्रण पर फेंकते तथा रोने लगी। वो निमंत्रण पत्र जो है इन्विटेशन लेटर्स को फेंक के रोने लग जाती है। उसने इतने शानदार मौके पर पहनने के लिए एक सुंदर सी ड्रेस ही नहीं है। उसने ड्रेस के लिए एक शिकायत करने लगी कि ड्रेस जो है मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या पहन के जाऊंगी। वो सभी के लिए प्रशंसा चाहती थी। वो चाहती थी कि जब कोई उसे देखे तो वो पार्टी में उसके लिए तारीफ़ करे, प्रशंसा करे कि आप अच्छे लग रहे हो। वो ऐसा चाहती थी। वो पार्टी में सफल होना चाहती थी। सफल का मतलब है अमीर दिखना चाहती थी, रिच दिखना चाहती थी, पार्टी में शो ऑफ करना चाहती थी। उसके सौम्य पति ने सुंदर पोशाक खरीदने के लिए उसे 400 फ्रैंक दिए। फ्रैंक मतलब होता है जैसे इंडियन करेंसी में रुपया होता है, और ऐसे ही वहाँ पे उसको फ्रैंक बोला जाता है, जो वहाँ की भाषा है उसमें फ्रैंक बोला गया है पैसों को, मनी को। उसने राइफल खरीदने के लिए कुछ पैसे बचाए थे। उसका जो पति है वो सोचता था कि उसको शिकार का शौक था, तो वो सोचता था कि राइफल जो है मैं खरीदूंगा जो शिकार पे जा सकूं। तो उसने कुछ पैसे बचाए थे जो मिसेज अपनी पत्नी को दे देता है, बोलता है इससे तुम अपनी ड्रेस खरीद लेना। अब आगे होता है, पार्टी का सप्ताह आ गया। अब जो पार्टी वाला दिन था वो नज़दीक आ गया, जिसमें उसको पार्टी करने के लिए जाना था। अब वो पार्टी के लिए तैयार हो जाती है, और उसकी पत्नी फिर से चिंतित रहने लग जाती है। वे परेशान थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास ड्रेस के साथ पहनने के लिए कोई गहने ही नहीं है। उसका पति और अपनी पत्नी दोस्तों से जीन फोर्नियर से वही पूछने का सुझाव देता है। अब वो बोलता है, जो उसका पति है, तुम्हारे पास गहने नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त है जीन फोर्नियर, तुम उसके पास जाओ, उसके पास जाकर एक बार पूछ लो, क्या वो गहने जो हैं अपने शानदार, उसके पास काफ़ी सारे हार हैं, क्या वो उधार दे पाएगा।
मिथिल्ड उसके घर जाती है और एक शानदार हार जो है उधार में ले लेती है। वो बोलती है, मैं जो ये उधार में उपहार लेके आई हूँ, ये उधार में उपहार दे दो, मैं बाद में लौटा दूंगी। वो उसके घर जाके ले लेती है पड़ोसी के। मिथिल्ड ने अपने पति के साथ पार्टी में खूब मस्ती करी। अब दोनों के दोनों पार्टी में जाते हैं और पार्टी में जाकर खूब मौज करते हैं। पार्टी से जब वहाँ से घर आते हैं, वो सभी का ध्यान अपनी पार्टी में खींचने में सफल रही। पार्टी में जैसा वो चाहती थी कि वो सबसे अमीर दिखे, वो सबसे ज़्यादा अमीर दिखती है और सबका ध्यान जो है उसकी तरफ आ जाता है जैसा वो चाहती थी। फिर वे सुबह विषम समय के दौरान घर में के लिए रवाना होती है और जब घर पहुँचते हैं, घर पहुँचने पर मिथिल्ड और उसके गले में हार नहीं मिलने पर आश्चर्य होता है। अब जब घर पहुँचती है तो घर आकर देखती है कि उसका जो हार था गले में, जो दोस्त से मांग के लाई थी जिससे पड़ोसियों से, वो हार जो है गायब हो चुका है। अब वो काफ़ी डर जाती हैं। वे दोनों महसूस करते हैं कि ये उस कैब में गिर गया होगा। वो सोचते हैं कि शायद वो कैब गाड़ी वाला जो है उसमें गिर गया होगा जिसे वे घर पहुँचाने के लिए आ गया था। अब वो कैब की तलाशी लेना शुरू करते हैं। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सड़कों पर भी खोजा। अब जो हार है उसको ढूंढने के लिए वो सड़कों पर जाने लगी कि सड़कों पर रात में क्या पता हो सकता है गिर गया हो, रास्ते में ध्यान ना दिया हो तो गिर जा सकता है। जिनके माध्यम से वे आए हैं उसी के माध्यम से क्या पता वो ढूंढने में मिल जाए वापस। इसके अलावा उन्होंने पुलिस से भी संपर्क किया, विज्ञापन दिया, लेकिन सभी कुछ व्यर्थ गया। सभी कुछ मतलब कि बेकार गया। उनका जो हार है वो अभी नहीं मिला और जो पुलिस से संपर्क किया, जो विज्ञापन दिया, उनमें उसके पैसे अलग से लग जाते हैं। उसके पति ने अपने दोस्त को एक पत्र लिखने को कहा। उसने कहा कि मेरा जो दोस्त है उसको एक छोटा सा लेटर लिख के दे दो, आप मान जाएगा शायद वो। उसने लिखते हुए कहा कि टूट गया था। उसने लिखा है कि वह टूट गया था और दुरुस्त किया जा रहा है। अब उसने कहा कि जो है ना आपका जो हार था मैंने लिया था वो गलती से टूट गया था, उसको ठीक करा जा रहा है और ठीक करके हम उसको लौटा देंगे। इस बीच वे एक सामान्य हार की खोज करने में सफल रहे। अब वो ना वैसे ही सेम टू सेम दिखने वाला एक दूसरा हार खोज लेते हैं। जब तक वो बोलते हैं ना कि वो हार टूट गया है, उस टाइम तक वो एक दो हफ्ते के अंदर दूसरा हार नया उसकी तरह ढूंढ लेते हैं जो बिल्कुल ऐसा का वैसा दिखता था। हालांकि उसकी कीमत जो है 36,000 फ्रैंक थी। जो हार है उसकी कीमत 36,000 फ्रैंक थी। उनके पति को अपना पिता के 18,000 फ्रैंक विरासत में मिले थे और जो कीमत थी फ्रैंक के उसकी वो 36,000 थी। हार जो है 36,000 का था और उसके पास सिर्फ 18,000 रुपये थे। हालांकि उन्हें बाकी पैसे उधार भी लेने पड़े। वे विरासत से मिली और उधार से ली गई रकम के ज़रिए ही एक हार खरीदने में कामयाब रहे। अब वो दूसरा हार खरीदते हैं बिल्कुल जो ऐसा का ऐसा दिखे, लेकिन उधारी की रकम चुकाने के लिए 10 साल की अवधि लग गई। अब उन्होंने हार खरीद के अपनी दोस्त को तो दे दिया, मगर हार की जो कीमत है ना उसको चुकाते चुकाते उसको कम से कम 10 साल लग गए दोनों को। हार की कीमत ही इतनी ज़्यादा थी, अब उन्होंने इसके लिए लोन लिया तो चुकाना पड़ेगा ही। इन्हीं वर्ष के बीच में उन्होंने जीवन की काफ़ी बदलाव आ गया। उनके जीवन में जो काफ़ी उथल पुथल थी वो काफ़ी बदल गया। वे एक छोटे से अपार्टमेंट में चले गए, खुद को साफ किया तथा पकाया और अपने एक छोटे से अपार्टमेंट में चले गए। मतलब सब कुछ उनका बिक गया, एक तरह से गरीब बन गए बिल्कुल। उनके इसके अलावा उसके पति की रकम चुकाने के लिए कोई काम है ये जो इस हार की कीमत है उसका लोन उतारने के लिए उसके पति ने काफ़ी सारे काम करे, मेहनत करी। साथ ही वो एक गरीब घर में एक मजबूत महिला की तरह दिखती थी। अब वो ऐसे दिखने लगी एक गरीब से घर की औरत हो, जो पहले हालांकि बन ठन के एक बड़ी महंगी हार पहन के और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने वाली लेडीज आज एक गरीब महिला बन गई। वो बहुत वृद्ध लग रहे थे। अब दोनों के दोनों का ना बुढ़ापा आ गया, क्योंकि 10 साल जब उन्होंने लोन चुकाया तो उनकी हालत एकदम बेकार हो गई है। बूढ़े बूढ़े लगने लगे हैं, उनकी उम्र ज़्यादा लगने लगी है, जो कि है नहीं। एक दिन उसने सड़क पर मिसिज जेन फ्रिस्टर को देखा। अब एक दिन जिनसे उन्होंने हार लिया था वो औरत उनको मिलती है रोड पर। उसने हार के बारे में सच बताने का फैसला किया। अब उसने कहा कि चलो हम इसको एक बार हार के बारे में सच बता के देखते हैं। पूर्व ही किसी ने उसकी उपस्थिति को दंग रह पाया होगा। कहने लग गया जो वो मिसिस थी, वो जो औरत थी जिसने उनको हार दिया था लेडी ने, वो उनकी स्थिति को देखकर काफ़ी दंग रह जाती है, हैरान हो जाती है। इसके अलावा हार की सच्चाई जानने पर जॉन फेरनियर ने बताया कि यह एक नकली हार था। वो बताती हैं कि जो मेरा हार था वो नकली था, उसका मूल्य 500 फ्रेंच से अधिक नहीं था। उसका जो कीमत थी वो 500 फ्रेंच थी, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं थी। वो भी एक नकली हार था
और ये सुनकर वो दंग रह जाती हैं। उन्होंने 10 साल जो अपने निकाले और जो लोन लिया, फिर वो उनकी हालत पे मतलब कि अफसोस करने लगते हैं कि हमने जो है इतनी बड़ी गलती कर दी, हमें पहले ही इनको एक बार बता देना चाहिए था। तो इस तरह से जो दान एक्लेस स्टोरी है वो ख़त्म होती है, आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। सी यू, टाटा एंड बाय बाय।